संसार कबीर हरि का सिमरन जो करे हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार सो सुखिया कहना डोले ना डोले प्रभु के सिमरन दुख जम न सो सुखिया। प्रभु के सिमरन काल पर हरे, प्रभु के सिमरन दुश्मन डरे सो सुखिया। प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागे, सो सुखिया। प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागे, प्रभु के सिमरन अनदिन जागे। प्रभु के सिमरन पहो ना व्यापै सो सुखिया। प्रभु के सिमरन पहो ना व्यापै, प्रभु के सिमरन दुख ना संतापै, प्रभु के सिमरन दुख ना संतापै सो सुखिया। जिस नाम हृदय सोई बड़ राजा, जिस नाम हृदय तिस पूरे काजा सो सुखिया। जिस नाम हृदय तिस कोट धनु पाए सो सुखिया। जिस नाम हृदय तिस कोट धन पाए, तार जी अरे एक टेक तू, तार जी अरे एक टेक तू, लाहे बिडानी आस, सिमरो सिमरो सुख पाओ सो सुखिया। सुख पाओ काल कलेश तन माहे मिटाओ, सिमरो जास बिसंबर एक, नाम जपत अगरत अनेक, तार जी अरे एक टेक तू, लाहे बिडानी आस, कबीर हर का सिमरन जो करे तू सुखिया सो सुखिया संसार अगली लाइन विच एक इशारा कीता ने रोजाना जीवन दे कीर्तक पंध दूत कते ना डोले मनुख डोलदा क्यों अज इथे कल उत डोलन का अर्थ भटकना है इत उत एथे उथे ते मनुख भटकदा क्यों है किसी चाहत लई अज चाहत क्योंकि वड्डी हो गई मनुख दी पहला इन्नियां चाहता नहीं सन हुंदियां मनुख दे सुख दे साधन भी सीमित सन ते उन्दियां सुख दियां चाहतां भी सीमित सन एक कोठे विच सारा परिवार सो जांदा सी रहिंदा सी अक्सर मैं अखीं देखे पिंडां विच चंगे चंगे घरां कोल एक कोठा उन्हां उसारना वड्डा उहदे विच सारे परिवार ने रही जाना हुण बच्चा 5 साल का होवे उन्नू वखरा कमरा चाहिए ते फिर बनाना है उनदे नाल चाहत वध जानी है पहला चाहत एक कोठे दी सी हुण चाहत हर बच्चे दे नाल वड्डी हुंदी गई ते ज्यों ज्यों चाहतां वड्डियां हुंदियां गईयां त्यों त्यों मनुख दा डोलना उन्हां चाहतां नूं पूरियां करन वास्ते कुछ सुख लभने उहदे साधन भी वड्डे हुंदे गए चाहतां छोटियां सन इसलिए मैं कई लोग वेखे जिहड़े जिस पिंड विच नगर विच पैदा होए उत्थे ही सारी जिंदगी बीती उन्हां शहर नहीं वेखिया लोड़ ही नहीं उन्हां दी हर चाहत छोटी सी ते ओ छोटी चाहत उन्हां दे घरों ही मिल जांदी सी आम रोज दियां लोड़ां घर विच हर एक दे पूरीआं हुंदियां सादा जीवन सी हुण ज्यों-ज्यों चाहत वड्डी हुंदी गई त्यों-त्यों बाहरों कुछ ढूंढना पिया उस ढूंढ ने आण जाण दे साधन भी वड्डे कर दित्ते आकारां गरीब किसी झोंपड़ी विच वसन वाले लिए थोड़ियां ने हवाई जहाज अज जरा चीज ले जान लियान दे इंपोर्ट एक्सपोर्ट दे साधन घट जान सब तो बड़ी परेशानी हो जाती है जी चीज किवें मिले मार्केट विच चीज खत्म हो क्यों क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं बन सकिया हुणी तुसी देख रहे हो ऑटोमेट जरा हुई है सवाल पैदा हो गया कि लोड़ दियां चीज़ां ना खत्म हो जाए क्योंकि लोड़ वड्डी हो गई है इसलिए दूरों कुछ ढूंढना है बस इसे दा ना है ये तो इतना डोले मैं हैरान हाँ इस सुख विच इत उत कते ना डोले दा की संबंध है क्योंकि पिछले श्लोक नूं जदों बाबा कबीर जी दे पिछले श्लोक नूं नाल रखना ना बड़ा भेद खुलदा है उहदे विच एक लफज सन पिछले श्लोक विच कि कबीर बेकार है चितवते झूठे करते आस। सुख की आस तो हर एक नूं है। सुख मनुख के जीवन की लोड़ है। उस सुख का स्वरूप की है वो एक वखरा विषय, पर सुख हर मनुख दुनिया का चाहता है। बल्कि मैं तो एक बार सोच रहा सा कि मनुख पहला जीवन मंगता है, क्योंकि जीवन होएगा तो ही सुख है, नहीं तो सुख की भी की लोड़ है। जे जीवन ही ना रहे तो सुख किंदे वास्ते ने। मनुख इसलिए पहला जीवन मंगता है। पर केडी अजीब गल है, जीवन लई फिर सुख चाहिदा है। वो सुख इन्ना ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है कि मनुख जीवन नू भुल जाता है, सुख की ढूंढ विच लग पैंदा है। जीवन जिहड़ा है वो सुख ते कुर्बान करदा है, सारा जीवन सुख ढूंढदा रहिंदा है। जीवन का हर खतरा मुल लैंदा है, क्यों? क्योंकि सुख ढूंढना है। फिर जीवन की वैल्यू घट गई, सुख की वैल्यू बढ़ गई। जदों गुरबाणी दे किसी प्रकरण नूं छेड़दा है तो बहुत कुछ सामने खुल जाता है। मैं कई बार देखना तेरे सामने जीवन की वैल्यू नहीं, सुख की वैल्यू ज्यादा है। तू सुख एकत्र करन लई जीऊ रिहा। जिस दिन तेनू पता लग जाए ना सुख मेरे कोल बिल्कुल नहीं, उस दिन तू सुसाइड करन लई तैयार हो जाना, क्योंकि सुख कोई नहीं। जिहड़े सुखी नहीं रहंदे, जिन्हां दे हथ विच इह गल नहीं रहिंदी, बेवस हो जांदे ने कि हुण असीं सुखी नहीं हो सकदे, ओह सुसाइड करदे। इहदा मतलब तैनूं जीवन सुख लई चाहीदा सी, सुख लई चाहीदा सी। पर हुण इत्थे सवाल पैदा हुंदा, गल माड़ी नहीं, सुख चाहिए। सिर्फ एक गल इत्थे समझण वाली है, वो सुख किस रूप विच, उस सुख दा रूप तैनूं पता होवे। ते दूजा सुख दा ठिकाना तैनूं पता होवे कित्थों मिलदा है। दो चीज़ां दा गुरु ने बाणी अंदर एक गल आख दिती कि मनुख सुख ढूंढदा है, पर ढूंढदा कित्थों है? झूठे करते आस। सुख दी आस उथों रखदा है जेड़ा आप झूठ है। गुरु ने बाणी अंदर इसे लई बहुत सारिया एग्जाम्पल दित्तियां ने। कहते हैं खूब 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 तेरो नाम। अगले पासे एक लाइन कह दी, कह लगे झूठ 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 दुनी गुमान। दुनिया दा गुमान, आस, ये झूठी है। झूठ 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 दुनी गुमान। पर मनुख दुनिया विचों ही झूठ ढूंढदा है ना, सुख ढूंढदा है ना। इहदा मतलब मनुख दुनिया दे विचों सुख ढूंढ रहा है जिहड़ा झूठ है। गुरु ने बड़ियां एग्जाम्पल दित्तियां ने। एक थां ते आख्या दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग खे। संसार अंदर सुख दिसदा है मनुख नूं, इसलिए दुनिया विचों सुख ढूंढदा है। भावें किसी देश की दुनिया विच जावे सुख ढूंढण लई, पर है तो दुनिया ही ना। ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਡੋਲਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਢੂੰਡਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਜਾ ਰਿਹਾ। गुरु ने कह दिता एक एग्जाम्पल दे के दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग खे। हुण वो चमक जड़ी है, रोशनी जड़ी है, वो आसमानी बिजली विच भी है, पर कोई आसमानी बिजली ते आस रख के, भरोसा रख के आखे मैं घर विच इलैक्ट्रिसिटी लवाउणी नहीं, मैं कोई बल्ब लाउणा ही नहीं, मैं दामनी चमत्कार है, उनका बिल भी कोई नहीं। मैं सदगुरु ने कैसी एग्जाम्पल दी, उनका कोई बिल नहीं, रोशनी भी बड़ी तेज है। पर कोई मनुख जे उस दामनी चमत्कार ते ऊपर दी बिजली ते आसमानी बिजली ते आस रख के आखे भी चलो मैनू उहदे कोलों रोशनी मिल जाएगी, तां वो जीव सकदा है। वो तां पल दी रोशनी तेरे नाल नहीं निभने, तू उहदे ते भरोसा करके अपना जीवन का सफर नहीं कर सकता। कहन लगे दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग खे। कहन लगे संसार दुनिया जिंदे विचों सुख ढूंढना, इहदे सुख भी इउं ही ने जिवें दामनी चमत्कार है, पल लई नाल निभण वाले नहीं। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने भी अपनी रचना तो एक गल आख दी, कहन लगे जाग रचना सब झूठ है, जान लो रे बीत को नानक थिर ना रहे, ज्यो बालू की भीत। कहन लगे जे सुख चाहना है, जो सुख को चाहे सदा, चाहत सुख दी माड़ी नहीं। अज संसार दे अंदर चाहत माड़ी होवे, चाहत ही ना होवे ते दुनिया दा कोई काम ना चले। भावें कोई नौकरी कर रहा है, भावें कोई बिजनेस कर रहा है, भावें कोई विदेशों में जा रहा, आखिर ते चाहत लैके हर कुछ कर रहा है ना। जो चाहत ही खत्म हो जाए, सारी संसार दी मूवमेंट ही खत्म हो जाए। कह लगे चाहत माड़ी नहीं, जो सुख को चाहे सदा, चाहता है पर इनू ठिकाने का पता नहीं, सुख किथे है ते सुख दा रूप की है। ये दामनी चमत्कार नू सुख समझी फिरदा है। बल्कि सतगुरु ने एक थां ते एग्जाम्पल दिती, कई एग्जाम्पल ने गुरबाणी विच। गुरु कहंदे ने जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी ना है, ये दुनिया जी झूठ है, शेर मेला है, जादू की खेड है। जादूगर नूं तुसीं वेखदे हो, वो मुट्ठी विच तुहाडे सामने वेखदियां वेखदियां मिट्टी पाउंदा है ते ऐं खोल के रुपया बना के दिखा दिंदा है। पर किहड़ी अजीब गल है, वो रुपया बनाने वाला आप उन्हां रुपया दे भरोसा नहीं करदा, फिर तुहाडे कोलों पैसा मंगण लग पैंदा। जी वो आप रुपया बना सकदा, तुहाडे कोलों पैसा मंगण दी की लोड़ है। पर उन्हें पता है जादूगरी दी खेड दा पैसा है, इहदे च दस्तगिरी ना है, इहने मेरे काम नहीं आउणा। हुण जादूगर नूं अपनी खेड दा पता है, पर वेखण वाला रीझ रिहा कहंदा नहीं बड़े रुपया वेखो, वेखदियां वेखदियां रुपया बन गए। गुरु ने आखिया ये जो दुनिया शहर मेला दस्तगिरी ना, बल्कि गुरु ने अपनी रचना तो आखिया टिकाणा लभ। दो चीजों का ख्याल कर, पहला तो सुख की चाहत माड़ी नहीं, सुख चाहिए, जीवन नालों सुख की वैल्यू ज्यादा है। जीवन भी तां ही चंगा लगता है जे सुखी होवे, जे जीवन सुखी ना होवे ते जीवन तो भी मनुख अक जाता है। इसलिए चाहत सुख दी माड़ी नहीं, सिर्फ सुख दा रूप तू किस नू सुख समझना, एक ही पता होवे, क्योंकि गुरु ने आख दिता, कहन लगे जे तू समझे भी बहुत सारी दौलत कमाया सुखी हो जावांगा, झूठ है। जे मनोरंजन दे साधन बहुते वेख के खुश हो जाएगा सुखी हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। जे तू आखे बहुत सारे देशों की मलकीयत प्राप्त करके राजा बन के बादशाह बन के सुखी हो जाएगा, गलत है। सुख ना ही बहुते धन घाटे। गुरबानी सुख ना ही बहुते धन खाटे, सुख ना ही पेखै निरत नाटे, सुख ना ही बहुत देश कमाए, बहुते देशों की मलकीयत जी। फिर सुख किवें मिलता है? कहन लगे सर्व सुखा हर हर गुण गाए। दो चीज़ों का तेन पता हो, सुख की चाहत माड़ी नहीं। दुनिया का हर मनुख सुख चाहता है, बल्कि गुरु ने भी अपनी रचना तो आख्या, कहन लगे सच्चाई ये है कि दुख नाठे सुख आए समाए, ढील ना परी जां गुर फरमाए। इत्थे भी सुख, गल सुख दी है। सिर्फ दो चीज़ां तेरे सामने सवाल बन के खलोतियां ने, एक ये कि सुख तू किनू समझना है, तेरे ख्यालों में सुख का रूप की है, ते दूजा ये कि सुख कित्थों मिलता है, तेरे विचार अंदर वो ठिकाना की है। कहन लगे मालिक कोल सिख सुख ने, सुख सागर सुरतर चिंता मन, काम धेन बस जानते। इस गल का तेनू पता नहीं, तू समझना खौरे दामनी चमत्कार विच चमक है, खौरे जादूगरी दी खेड विच रुपया है, सुख है। खौरे झूठ झूठ दुनी गुमान विच तू सुख सुख महसूस कर रहे हैं, तेनू ठिकाने दा पता नहीं। बल्कि एक तरह ते बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल दिती गुरु नानक ने, कहने लगे देख आ संसार की है, इत्थे परिंदे नागेरा हजार। गुरु नानक पातशाह जी दा शब्द है। परिंदा तो आप भी कहने, परिंदा आप पंछी, उनके कोल कोई बहुत वड्डे घर नहीं, उनके कोई बैंक बैलेंस भी नहीं, उनके कोल कोई साधन नहीं, पर उन्होंने कोई फिक्र भी तो किसी को है ना, जेड़े वो जीव रहे ने। कोई परिंदा भी नहीं मरना चाहता। असी ते सुख ना होने ते सुसाइड करन तक तैयार हो जाने। कदे वेख्या जे किसी परिंदे ने भी सुसाइड कीती होवे? हाँ, असी जा फांद की ओनू कोई मार देवे वखरी गल है, पर वो मरना नहीं चाहता, जीना चाहता है। क्यों? क्योंकि सुख उनके कोल है। वो सुख वस्तुओं विचों नहीं, क्योंकि ना उनके कोल ग्रह है, वड्डा घर है, ना जारा है, भाव उनके कोल बहुत सारी दौलत है। परिंदा है ना ग्रह जार, रहंदा जीवंदा। दरखत आप आस कर, आ दरखत जड़े ने, पेड़ जड़े ने, इन्हां नूं इक्को आप दी, भाव पानी दी, आप पानी नूं कहंदे, ये पानी दे सिर ते जीउंदे ने, ते वो भी उन्हां कोल साधन कोई नहीं, तुहाडे ते निर्भर। बल्कि तुलसी दास ने बड़ी खूबसूरत एक गल आखी, मैं दोहरा दिया। वो कहते हैं तुलसी बिरवा बाग के सिंचत भी कुमलाएं, जेड़े बाग माली लाउंदा है उन्होंने पानी का इंतजाम करता, पहला बाग लाउंदा ही तां है, फिर हर रोज सवेरे आके वेखदा है भी किसी बूटे नूं कोई बीमारी तो नहीं लग गई, उन्दियां जड़ां विच रेह खाद भी पाउंदा ताकि वध फुल सके। पर फिर भी अनेकों बूटे माली दे बाग विच मर जाते हैं। इन्ने साधन होने के बावजूद पर अखे पहाड़ों ते देख लो, उत्थे जमीन नू कोई रेह भी नहीं पहुंचता, जमीन नू कोई नरम भी नहीं करता, पथरीली है। उत्थे कोई पानी दे ट्यूबवैल भी नहीं लगे हुए भी पानी देगा कोई। उन्हां दे वो बूटे जिहड़े वो दरखत जिहड़े पहाड़ों ते पैदा हुंदे ने, उन्हां नू कोई आके देखदा भी नहीं कि बीमारी लगी कि नहीं लगी। काम करता आपां पंजाब विच पानी दी लोड़ पवे तो गहराइयां विच बोर करने, पानी खत्म होंदा फिर भी डर रहिंदा वरतने आता। पर केडी अजीब गल है, पहाड़ां ते चश्मे पानी दे आपे ही फुट रहे ने, उत्थे जमीन भी पथरीली है, उत्थे बोर भी नहीं करना पैंदा, आपे ही चश्मे फुटदे ने। क्यों? क्योंकि उन्हां चश्मियां ते उन्हां बारिशां नाल पहाड़ों पर बारिश क्यों ज़्यादा पैंती है। मेरे मालिक ने महसूस किया भी इत्थे जिहड़े दरखत ने वो, इत्थे जिहड़े बूटे ने वो मेरी आस्ते ने, इन्हां दा माली कोई नहीं। गुसाई तुलसी दास ने यो गल आखी, कहन लगे तुलसी बिरवे बाग के सिंचित भी कुमलाएं, पर राम भरोसे जो रहे पर्वत पर ले रहे। देखना ये है किथे ऐसे सुख। यो गल बाबा कबीर जी ने आखी पिछले श्लोक विच, कहन लगे जिहड़े राम भरोसे दी थां ते झूठे करते आस ने, उन्हां दा मनोरथ कोई ना पूरे, वो दुखी दुखी झूठे करते आस। जिन्हां ने झूठ दी दुनिया ते आस रखी हुई है, इहदे विचों मिलेगा सुख, इहदे विचों मिलेगा सुख। पर बाबा कबीर कहन लगे मैं तुहानू यकीन दिवाना। लो इस श्लोक अज दे श्लोक दा मतलब की सी? कहन लगे मैं तैनू यकीन दिवाना, तू सुख भी पछाण ते सुख दा ठिकाना भी पछाण। सुख दा ठिकाना की है ते जिस दिन तेनू ठिकाने दा पता लग जा फिर तू इत उत नहीं भटकेगा, इत उत कतई ना डोले, फिर तेनू सुख ढूंढण लई भटकना नहीं पवेगा। बस दो लाइनां विच बाबा कबीर जी ने अज दे श्लोक विच ये गल साबित कर दिती कि तैनू भटकण की लोड़ नहीं, केवल तू सुख नू पछाण ते सुख दे टिकाणे नू पछाण। कहन लगे सो सुखिया संसार सिर सुखिया संसार, सो सुखिया संसार, सो सुखिया संसार। पिछले श्लोक दा जवाब दे देता है, समझा देता है। विदेख सुख केंद्रित है तेरे जीवन विच, इस विच कोई माड़ी गल नहीं। गुरु ने बाणी विच आखिया, कहने लगे हर कोई सुख मंगता है, दुख तो कोई मंगता ही नहीं। हर कोई सुख चाहता है, पर गलती की है। सतगुरु ने बाणी विच आखिया, कहने लगे गलती ये है कि मनुख यो जा जुआरी हो गया, जुए की खेड खेड रहा है। ऐसा जग देखिया जुआरी, सब सुख मांगे नाम बिसारी। जिथे सुख है उन्होंने छड़ी फिरदा, पर जुए की खेड वांगू ये आस रखता है ऐसा लग जाएगा, आदा लग जाएगा। सो सतगुरु ने बाबा कबीर जी की रचना तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने बैठ के पिछले श्लोक के जवाब विच इस श्लोक नाल स्पष्ट कर दिता है कि सुख माड़ी गल नहीं। सुख तैनू पता होना चाहिए की है तो कित्थों मिलता है। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। ये तो कतै न डोले, उनकी भटकना खत्म हो जाती है। उन्होंने पता लग जाता है कि मालिक का दित्या सुख मिलना है। मैं तो पिछले दिनों सोच रहा, कई सज्जन कहते हैं जी जेड़े रब ते आस रखते हैं वो वेलड़ हो जाते, निकम्मे हो जाते। आप काम करो, आप गल माड़ी नहीं। गुरु ने भी यो गल आखी, उद्यम करेंदे आ जीव तू, कमावंदे आ सुख पंच, पर नाल ये भी आख दिता ध्यानदे आ तू प्रभु मेरा। अरदास ते उद्यम दोनों चीज़ां गुरु ने समझा दित्ती, पर वो कहंदे ने सिर्फ उद्यम, तेरे उद्यम विच ही सब। रब कौन हुंदा? तेन रब दी आस ते तू वेलड़ हो जाएगा, वेलड़ हो जाएगा। तो मैं सोच रहा सा, आज जिन्ने बेचारे सड़कों पर काम करने वाले मजदूर ने वो कोई उद्यम घट करते हैं? वो गरीब क्यों ने? आज जिन्ने वेलड़ ने सब अमीर ने। वो घर बैठ के खाना, नौकरियां दे कोलों नहीं कहंदे ने पानी भी तुसीं लिया के दिओ, पानी का गिलास भी आपे नहीं पी सकते। वेलड़ तो वो होवे, निकम्मे तो वो होवे जिहड़े अमीर ने। गरीब तो बेचारा सारी जिंदगी गरीब रहते हुए भी उद्यम करी जाता। तो इसलिए अरदास ते उद्यम दो चीज़ां इकट्ठियां रखनियां ने। सिख ने उद्यम भी नहीं छड्डना ते मालिक दे भरोसा भी नहीं छड्डना। दोनों चीज़ां दें लें एक तू दिगर को नहीं, ते विश्वास रखना है। गुरु नानक दे शब्द ते भी यो गल सी कि परिंदर है ना गिरा हाजर हाजर, दरखत आब आस कर। अगे लफ्ज ने देहांद सूई, एक तू ही एक तू ही। देने वाला जेड़ा देहांद है वो की है? एक तू ही एक तू ही। ये दो भरोसे नाल, भरोसिया नाल मनुख ने चलना है। यो सिक्खी विच बख्शिश किया होया एक सिद्धांत है जिहड़ा प्रचारना है। इन्हां शब्दां नाल खिमांदा जा चुका। फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।